हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 13। क्या पढ़ेंगे? पाठ 13, पेज नंबर है 53। क्या है पेज नंबर? 53। इस पाठ 13 में है एक कहानी, धन्यवाद मामा जी। कौन सी? धन्यवाद मामा जी की कहानी है। इसमें एक मगर और एक लोमड़ी की चतुराई, लोमड़ी की चतुराई और मगर की मूर्खता के बारे में बताया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं कहानी। नदी किनारे जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह रोज नदी पर पानी पीने जाया करती थी। कौन रहती थी? नदी किनारे एक लोमड़ी रहती थी। वह रोज उस नदी में पानी पीने जाती थी। एक दिन जब वह नदी में पानी पीने आई तो मगर ने उसकी टांग पकड़ ली। क्या हुआ? जब वो पानी पीने आई तब उस नदी में एक मगर भी रहता था, तो उस मगर ने उसकी टांग पकड़ ली। लोमड़ी घबरा गई, पर उसने चतुराई से काम लिया। लोमड़ी बहुत चतुर थी, उसने अपनी चतुराई से काम लिया और वह हंसकर बोली, वाह मामा। वह मगर को मामा बोलती थी। क्या बोलती थी? मामा। वो बोली, वाह मामा, आपने मेरी टांग नहीं एक लकड़ी पकड़ी है, टांग की जगह एक सूखी लकड़ी पकड़ी है, मेरी टांग तो यहाँ पर है। तो उस लोमड़ी ने अपनी चतुराई से अपनी दूसरी टांग दिखा दी और उस मगर को बोला कि मेरी टांग तो यहाँ है, आपने मेरी टांग की जगह एक लकड़ी पकड़ ली। और लोमड़ी ने अपनी जान बचाने के लिए चतुराई से काम लिया और मगर ने उसकी टांग छोड़ दी। लोमड़ी उछल कर पानी से बाहर आ गई और बोली, धन्यवाद मामा, आपने लकड़ी समझकर मेरी टांग छोड़ दी। ऐसा उस लोमड़ी ने मगर से बोला। यह कहकर लोमड़ी जंगल में भाग गई और वो लोमड़ी वहाँ से चली गई। और मगर अपनी मूर्खता पर पछतावा करता रहा और देखता रहा। लोमड़ी और सावधान हो गई, उसने नदी पर जाना छोड़ दिया। अब वो नदी पर नहीं जाती। मगर लोमड़ी को सबक सिखाने के लिए मगर सोचता रहा कि लोमड़ी को कैसे सबक सिखाऊं। जब लोमड़ी नदी पर नहीं आई तो उसने लोमड़ी की गुफा में छिपने की योजना बनाई। वह लोमड़ी की गुफा में जाकर छिप गया। वह दोपहर को ही लोमड़ी की गुफा में जाकर छिप गया और वहां जाकर बैठ गया। फिर शाम को लोमड़ी अपनी गुफा की तरफ गई तो उसने वहाँ किसी के पंजों के निशान देखे। वह समझ गई कि जरूर इस गुफा में कोई छिपकर बैठा है। लोमड़ी अपने अपनी चतुराई से बोली, वह अपने गुफा के बाहर आकर बोली। लोमड़ी गुफा के द्वार पर आकर जोर से बोली, गुफा गुफा, मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ। लोमड़ी यह जानना चाहती थी कि अंदर कौन है, तो वह ऐसा बोली कि मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ, तुम मुझे आ जा बेटी कहकर अंदर क्यों नहीं बुलाती। उसने ऐसा बताया कि उसको पता नहीं कि अंदर कौन है। ऐसा कहकर वह लोमड़ी बाहर खड़ी हो गई। यहाँ भी लोमड़ी की चतुराई काम आ गई। मगर ने प्यार भरे स्वर में कहा, आ जा बेटी। मगर भी अपनी मूर्खता से बोल पड़ा कि आ जा बेटी। और लोमड़ी तुरंत समझ गई कि अंदर मगर छिपा है और हंसकर बोली, मामा जी, आप गुफा में ही आराम कीजिए, मैं दूसरी जगह जाकर आराम। और ऐसा कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई। मगर इस बार भी अपनी मूर्खता पर माथा पीटता रहा। पाठ 13 के शब्दार्थ। रोज 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 का अर्थ है प्रतिदिन, जगह स्थान, घबरा गई, डर गई, चतुराई, चालाकी, सयानापन, मगर, मगरमच्छ, धन्यवाद, आभार किसी का, एहसान मानना, भागना, दौड़ना, मूर्खता, बेवकूफ़ी, सावधान, चौकन्नी, सतर्क, द्वार, दरवाजा, स्वर, आवाज, बोल,
माथा पीटना पछताना। फिर अपन पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न एक है, लोमड़ी कहाँ रहती थी? तो इसका उत्तर है, लोमड़ी नदी किनारे जंगल में रहती थी। अब है प्रश्न दो, लोमड़ी नदी पर क्यों जाती थी? तो इसका उत्तर है, लोमड़ी नदी पर पानी पीने जाती थी। अब है प्रश्न तीसरा, लोमड़ी की चालाकी का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो इसका उत्तर है, लोमड़ी ने अपनी चतुराई के कारण मगर को अपनी टांग की जगह लकड़ी बताकर छुड़वा लिया एवं बाद में गुफा के द्वार पर जाकर गुफा को आ जा बेटी कहकर स्वयं को अंदर बुलाने के लिए कहती है। इस प्रकार लोमड़ी को मगर के अंदर होने का पता चलता है। अब ये प्रश्न चार, मगर ने लोमड़ी के साथ क्या किया? मगर ने पानी में लोमड़ी की टांग पकड़ ली एवं बाद में उसे सबक सिखाने के लिए लोमड़ी गुफा में छिप गई। अब अगला प्रश्न है पाँच, अपनी टांग छुड़वाने के लिए लोमड़ी ने मगर से क्या कहा? उत्तर, अपनी टांग छुड़वाने के लिए लोमड़ी ने मगर से कहा कि वाह मामा, टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली, मेरी टांग तो यह है। इसके बाद है प्रश्न छः, मगर मूर्ख था कैसे? उत्तर, मगर ने लोमड़ी की टांग लकड़ी समझकर छोड़ दी एवं बाद में लोमड़ी के कहने पर गुफा के अंदर से आवाज़ लगाई। इस प्रकार से मगर मूर्ख था। अब प्रश्न उत्तर के बाद अपन सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो पहला है, नदी किनारे जंगल में एक रिक्त स्थान रहती थी। कौन रहती थी? लोमड़ी। तो यहाँ क्या जाएगा? लोमड़ी। उसके बाद है, मगर लोमड़ी को सिखाने की सोचता है। तो क्या सोचता है? सबक। तो यहाँ क्या जाएगा? सबक। उसके बाद है, यह कहकर उसने अपनी दूसरी मगर को दिखा दी। क्या दिखा दी? टांग। वह दोपहर को ही लोमड़ी की में जाकर छिप गया। कहाँ जाकर छिप गया? गुफा में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? गुफा। अब उसके बाद है, किसने किससे कहा? तो पहला है, वाह मामा, टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली। तो इसमें आएगा, किसने कहा और किससे कहा। तो इसमें किसने कहा? लोमड़ी ने कहा। किससे कहा? मामा से। उसके बाद है, आ जा बेटी। तो यह किसने कहा? मामा ने। किससे कहा? लोमड़ी से। तो इसका यह आ जाएगा। अब उसके बाद है, इनके विलोम शब्द लिखो। दिन का रात, चतुराई का मूर्खता, प्यार का नफरत, बाहर का भीतर, सुबह का शाम, आना का जाना। हो गया। अब उसके बाद है, एक से अनेक बनाओ। नदी का नदिया, लोमड़ी का लोमड़िया, लकड़ी का लकड़ियाँ, टांग का टांगे, गुफा का गुफाई, रास्ता का रास्ते। तो ये हो गया ये पूरा।